तो आज हम आए हैं माता चामुंडा द्वार। चलिए दिखाते हैं आपको। हिमाचल में बहुत सारी खूबसूरतियां हैं और इसे देवभूमि भी कहा जाता है, जैसा कि उत्तराखंड को कहा जाता है। तो बहुत सारी जो हैं माताएं जो हैं हिमाचल में विराजमान हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं चिंतपूर्णी माता, हम पंजाबियों के लिए खास तौर पे, और उसके बाद वैष्णो देवी माता। जो सबसे छोटी हैं वो चिंतपूर्णी हैं और सबसे बड़ी जो हैं वो हैं वैष्णो देवी। और आज जो हम आए हैं ऐसी एक माता के, ये है चामुंडा देवी माता। और सीरियसली पास जो है झरना बह रहा है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और माता चामुंडा देवी जी का ये पुराना द्वार है और यहाँ से जो है नया द्वार है। अगर आप आ रहे हैं मानिए पुराने द्वार से आइए, पुरानी और प्राचीन रास्ता जो है वो देखने लायक है। और ये देखिए मंदिर जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, बट माँ चामुंडा देवी की कहानी। हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ चामुंडा देवी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहानी दक्ष यज्ञ। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव और उनकी पत्नी सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया। सती का त्याग, यज्ञ में जाकर उन्होंने खुद को अग्नि में झोंक दिया। शिव का क्रोध, भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने तांडव किया। विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शक्तिपीठ, जहां जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माँ चामुंडा देवी का मंदिर उस स्थान पर बना है जहां सती के चरण गिरे थे। माँ चामुंडा देवी का महत्व, शक्ति का प्रतीक। माँ चामुंडा देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, भक्तों की आस्था का केंद्र। देश भर से भक्त यहां आकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। हिमाचल का प्रमुख तीर्थस्थल, यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख तीर्थस्थल है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। अन्य जानकारी, माँ चामुंडा देवी का मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। यहां हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं। हालांकि शिव और सती एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शक्ति पीठों में भी शिव की उपासना की जाती है। माँ चामुंडा देवी मंदिर में शिव मंदिर होने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। स्थानीय मान्यताएं, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर शिव जी ने तपस्या की थी और माँ चामुंडा देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे। संतुलन, शिव और शक्ति दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं। दोनों को एक साथ पूजने से धार्मिक संतुलन बना रहता है। संक्षेप में, माँ चामुंडा देवी मंदिर में शिव मंदिर होने का मुख्य कारण शिव और शक्ति के बीच अटूट संबंध है। शक्ति पीठ होने के बावजूद शिव की उपासना यहां इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की उपासना से आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। ये है शिव मंदिर चामुंडा देवी के अंदर।